यहाँ पे जैसे हम एप्लीकेशन रन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का मॉड्यूल शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेन विंडो थी, और जो इससे पहले आई थी वो हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन थी। तो इस मेन विंडो में हम सबसे पहले जो है ओपन वीडियो का एक बटन है, ये ओपन, जिससे हमारे पास ओपन फाइल डायलॉग ओपन हो जाएगा। तो ये डायलॉग से हम जो है ओरिजिनल वीडियो सेलेक्ट करेंगे, और ये पाथ वही है हमारे पास जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको। और ओरिजिनल वीडियो में हमारे पास जो है वो एक ही वीडियो पड़ी होगी, जिसकी ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास 21 सेकेंड्स की है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे। और इसमें हमने तकरीबन 4 आवर्स लिए थे, क्योंकि प्रोसेसिंग जो है इसकी ज़्यादा रिक्वायर होती है इसके लिए, तो हम टाइम मैनेजमेंट भी हमने रखा है इसमें। तो इस वजह से हमने जो है वो 20 मिनट्स की वीडियो ली है, जिसमें हमारे पास 4 आवर्स कवर हो रहे हैं। तो अब हम इस वीडियो को जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और इसकी हम हाइलाइट्स जनरेट करेंगे। तो इस ओरिजिनल वीडियो वाले फोल्डर में जाके हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो जनरेट हाइलाइट्स का बटन जो है हमारे पास यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हम ये सेट स्पैन जो मैंने अभी बताया था आपको, वहाँ पे ये चले जाएगा। सेट स्पैन क्या करता है, हमारे पास जो है वो एक, हमें हमें आप सबको पता है कि 1 सेकंड के अंदर डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं, जिनसे हमारे पास टोटल वीडियो बनती है। तो ये डिपेंड करता है वीडियो पे कि कितनी क्वालिटी उसकी अच्छी है। जितनी क्वालिटी उसकी अच्छी होगी तो उतनी अच्छी हमारे पास जो है उतने नंबर ऑफ फ्रेम ज़्यादा होंगे। तो अगर ये जो हमारी वीडियो थी वो 30 फ्रेम पे डिपेंडेंट कर रही थी, तो अब हम इसमें हमारे पास चॉइस है कि हम कौन सा फ्रेम निकालें। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि 15 फ्रेम्स निकालें पर सेकंड का, तो हमारे पास 2 फ्रेम्स निकलेंगे अगर 30 फ्रेम पर सेकंड की एक वीडियो है। तो अब यहाँ पे इस सिंगल फ्रेम पर सेकंड निकालूंगा, तो 30th पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्रोसीड का ऑप्शन है, तो जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ तो ये मेरे पास जो है फ्रेम्स बनेंगे। तो फ्रेम्स, ये प्रोग्रेस बार है, यहाँ पे आपको प्रोग्रेस शो होगी कि जितने फ्रेम्स हमारे पास स्टोर हो गए डायरेक्टरी में। अभी यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे एक फ्रेम्स वाला फोल्डर बन चुका है। उस फ्रेम्स वाले फोल्डर में अगर मैं जाता हूँ तो आप यहाँ पे अगर देखें इसको कि इसकी जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं यहाँ पे बॉटम साइड पे, लेफ्ट बॉटम साइड पे। तो ये असल में हमारे पास फ्रेम सेव हो रहे हैं उतने ड्यूरेशन के साथ, 30th फ्रेम, हर 30th फ्रेम निकल रहा है हमारे पास, और उसको सेव हो रहा है पर सेकंड के हिसाब से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो में हमारे पास ड्यूरेशन जो थी वो 21 मिनट और 18 सेकंड की थी। तो अगर मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, 21 मल्टीप्लाई बाय 60 और +18, तो 1 to 7, 8 अप्रोक्सीमेट आपके पास फ्रेम सेव होंगे, क्योंकि 30th फ्रेम पर सेकेंड की एक वीडियो थी और हमने हर 30th फ्रेम निकाला है पर सेकेंड का। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप, ये आपके पास जो फ्रेम जो सेव होंगे वो हमारे पास 1 to 7, 8 या 1 to 7, 9 के अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रेम्स जो हमारे सेव एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। अब आप, मैंने जैसे कहा था कि 1 to 7, 9 या 1 to 7, 8 हमारे पास फ्रेम सेव होंगे, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो सेव हो चुके हैं। तो इसके बाद हम वापस अपनी डायरेक्टरी में, मेन डायरेक्टरी में मूव कर जाते हैं। तो इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट का बटन क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जो है वो सेट इमेज UI, जैसे मैंने पहले बताया था जो है मॉड्यूल, वो कॉल होगा। तो इसमें हमारे पास जनरेट इमेज का बटन है। तो जनरेट इमेज का बटन ये काम करता है कि हमारे पास रैंडमली इमेज एक जनरेट करता है। जैसे अभी इसने यहाँ पे एक इस फ्रेम्स की डायरेक्टरी में से रैंडम एक इमेज जनरेट किया है, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम्स थे उसकी डायरेक्टरी में से। तो इस फ्रेम्स का सेलेक्ट करने का मेन मकसद यही था हमारे पास कि हम इसमें से स्कोर बोर्ड सेलेक्ट कर सकें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्कोर बोर्ड जो कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जनरेट अगेन पे क्लिक करूंगा। जनरेट अगेन पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक स्कोर बोर्ड जो है हमारे पास शो हो रहा है। तो अगर, तो मैं यहाँ पे ये वाला ही फ्रेम अपना लेके
मूव करता हूँ आगे, तो यहाँ पे मैंने उसके अक्रॉस रेक्टेंगल ड्रा कर ली। इस रेक्टेंगल ड्रा करने का मेन मकसद यही है कि इसमें हमारे पास फोर साइड जो है रेक्टेंगल की, उसके रेफरेंस पॉइंट जो है हमारे पास गैदर हो जाएंगे, और रेफरेंस पॉइंट जो है हमारे पास एज ए यूज़ होंगे, सारे फ्रेम्स पे अप्लाई होंगे, और वही हिस्सा हमारे पास जो है टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे आप ऊपर अगर देखें तो हमारे पास रीसेट का ऑप्शन भी है, जिससे हम रीसेट करके दोबारा से ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं, और एक जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो हमारा सिलेक्टेड पार्ट है वो हमारे पास शो हो जाएगा। जैसे मैं इस कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये मॉड्यूल में सिलेक्टेड पार्ट जो है वो शो हो जाएगा। अब इसके जो रेक्टेंगल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गेट हो जाएंगे, और पूरी इमेजेस पे यही अप्लाई होगा जो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो जैसे मैं इसके ओके क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ये मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो टेक्स्ट डिटेक्शन का और टेक्स्ट रिकग्निशन का है। तो इसका बेसिक मकसद यही है कि हमारे पास जो है क्लिप्स जनरेट होंगे। वो क्लिप्स कैसे जनरेट होंगे, वीडियो क्लिप्स होंगे हमारे पास, और उसका मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक और भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फ्रेम्स अगर आप देखें तो इसके साथ नंबरिंग मेंशन है। इस नंबरिंग का मकसद ये है कि हमारे पास ये कितने सेकंड का फ्रेम है, इससे हमें काफ़ी हेल्पफुल होगी, आगे हेल्प मिलेगी अपने वीडियो क्लिप्स और ऑडियो क्लिप्स निकालने में। तो हर एक फ्रेम के साथ अपनी नंबरिंग मेंशन है। 1/50th सेकंड का मतलब ये है कि 1/50th सेकंड पे जो फ्रेम निकला था उसको हम गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है इस एल्गोरिदम को जो हमने पहले जो निकाला था, रेफरेंस पॉइंट निकाले थे चार, वो हर इमेजेस पे अप्लाई होंगे, और ये यहाँ पे प्रोग्रेस बार आपको शो होगी। तो जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास स्कोर बोर्ड जो है डिटेक्ट होगा पहले, मतलब आपके पास जो स्कोर है वो डिटेक्ट होगा, उसके बाद उस स्कोर को हम रिकोगनाइज करेंगे, तो ये हमारे पास प्रोग्रेस जो है उसकी शो होती जाएगी साथ साथ। तो जैसे ही प्रोग्रेस हमारे पास कंप्लीट होगी, हमारे पास एक रन्स वाला फोल्डर बनेगा, उस रन्स में हमारे पास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे हमारे पास, और इवेंट्स हमारे पास आ जाएंगे जैसे 4, 6, आउट और इंटरेस्टिंग इवेंट हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इसके वेट इंतज़ार करते हैं, वेट करें, प्रोग्रेस का कंप्लीट होने तक वेट करते हैं। अच्छा, ये अगर बाद में तो इसको कर लेंगे अभी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑल क्लिप्स जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक रन्स वाला एक फोल्डर बना हुआ है, जैसे हमने बताया था कि इवेंट्स 4 और आउट और 6 हमारे पास जो है वो कैटेगराइज होके आ जाएंगे। तो अभी इन 4 ओवरों में हमारे पास कोई भी 6 नहीं था, तो इस वजह से हमारे पास कोई भी इवेंट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास 3 2 आउट थे हमारे पास शो हुए थे, तो उस लिहाज से तीसरा वाला जो है वो एडिशनल ऐड हुआ, तो ये मशीन ने करके दिया था, एल्गोरिथम ने हमारे करके दिया। और हमारे पास 6 4s थे, तो ये 6 4 ही हमारे पास यहाँ पे शो हैं। उसके बाद हमारे पास इवेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो हमारे पास 6 ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स निकले हैं, तो वो हमारे पास कैटेगराइज होके हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास रन वाला एक फोल्डर था जिसमें हमारे पास इवेंट्स कैटेगराइज होके आ गए। नेक्स्ट फेज हमारे पास जो है, एक और बात यहाँ पे, सबसे पहले ऑडियो में हमारे पास ये हुआ था कि ऑडियो की वेव फाइल जनरेट हुई थी, और उसके बाद हमने थ्रेशोल्ड की बेस पे इस पे वीडियो क्लिप्स जो हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स निकाले, और बाकी हमने जो इवेंट्स निकाले हैं वो हमारे पास जैसे 4 आउट और 6 जो हैं वो हमने फ्रेम डिफरेंस की बेस में निकाले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर 2 फ्रेम्स हैं और एक फ्रेम में 4 रन हैं और 1 आउट है, और नेक्स्ट फ्रेम में अगर 8 रन हैं और 1 ही आउट है, तो
यहाँ पे फ्रेम का जो स्कोर का डिफरेंस है वो 4 हुआ, तो स्कोर के डिफरेंस की बेस पे हमने जो है वो क्लिप्स एक्सट्रैक्ट किए। इसी तरह फोर्स आउट और सिक्स इसी बेस पे हमारे पास निकले। और जो आरडीओ है हमारे पास वो थ्रेशोल्ड 80% मैक्सिमम एनर्जी की बेस पे, मैक्सिमम एनर्जी उठा ली हमने एरे में से, और उसका 80% जो है वो हमने थ्रेशोल्ड सेलेक्ट किया था, जिसकी बेस पे हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स निकले। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज आ जाती है, नेक्स्ट मॉड्यूल जिसे हम कहेंगे, वो हमारे पास जेनेटिक एल्गोरिदम वाला मॉड्यूल है। जेनेटिक एल्गोरिदम हमारे पास जो है वो ऑप्टिमाइज जो है क्रोमोसोम देगा, ऑप्टिमाइज समरी देगा बेस्ड ऑन यूजर चॉइस। और यूजर चॉइस क्या है जी, कि वो इंटरेस्ट देखना चाहता है या वैरायटी देखना चाहता है। तो अगर हम इंटरेस्ट देखना चाह रहे हैं तो मतलब यह है कि इंटरेस्ट में हमने इंपॉर्टेंस लेवल जो है सबसे हाई 6 को दी हुई है, उसके बाद इंपॉर्टेंस लेवल आउट को दी हुई है, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस लेवल 4 को दी है, और सबसे लो जो है सबसे मिनिमम इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे पास इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट इवेंट्स को दी हुई है। तो उस बेस पे हमारे पास जो है समरी जनरेट होगी। अगर वैरायटी की बात करते हैं तो ये सब हमारा एल्गोरिथम जो है वो सबको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर तो वो इवेंट्स नहीं है तो उनको 0 शो करेगा, बाकी इवेंट्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके हमें समरी जनरेट करके देगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की बेस पे समरी जनरेट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये क्रोमोसोम या फिर ये हमारे पास समरी की डिटेल है। तो इस समरी में हमारे पास जो है वो 0, 6 होगा, और 6 चौके हमारे पास आएंगे जो कि हमारे वीडियो में थे, 2 आउट आएंगे और कोई भी इवेंट नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं लाइक आपके अगर कैच ड्रॉप होता है तो उस पर अपील होती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट कंसिडर होगा। अगर आपके पास जो है हाई प्रीवियस ओवर की 2-3 बॉलें दिखाते हैं आपको और वो इवेंट का हिस्सा होती है, तो वो इम्पोर्टेंट इवेंट कहलाएगा। इसी तरह बाकी इवेंट्स जो हैं जैसे कैच ड्रॉप हो गया तो वो भी एक इवेंट है। तो इस तरह के इवेंट्स जो है वो हमारे पास 0 शो होंगे, क्योंकि हम इंटरेस्ट की बेस पे समरी जनरेट कर रहे हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पे देखें तो अभी यहाँ पे हमें डायलॉग बॉक्स शो होगा जो कि हमें इवेंट्स बताएगा। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 इवेंट्स हैं, 6 + 2 और बाकी 0 0 हैं, तो 8 क्लिप्स मिलके हमारे पास एक समरी जनरेट करेंगे। तो अगर मैं सेव वीडियो क्लिप्स में जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहले एक जो क्लिप्स के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, और उस क्लिप्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ वीडियो को सेव कर रहे हैं। उस सेव करने का मकसद यही है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन हो रही है क्लिप्स के दरमियान वो स्मूद होगी। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि 8 जो हैं वो इवेंट्स बनेंगे, तो ये 8 ही यहाँ पे क्लिप्स बनेंगे। तो इस क्लिप्स की फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक जो है वो हमारा कोड जो है रन कर रहा है, उस पे हमारे क्लिप्स जो है वो बनेंगे। तो इस क्लिप्स का बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम जो है अपनी फाइनल आउटपुट जो है वीडियो की वो शो करेंगे शो बटन से। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 7 इवेंट्स निकल चुके हैं 0 से लेकर 6 तक, और लास्ट हमारे पास रह गया एक इवेंट। ये सारे क्लिप्स मिलके हमारे पास जो है वो एक समरी जनरेट करके देंगे, और ये हमारे पास सॉर्टिंग ऑर्डर में होंगे। तो जैसे हमारे पास हाइलाइट्स भी सॉर्टिंग ऑर्डर में शो होती है, कि आपके पास ग्रेजुअली टेक्स्ट जो है जो स्कोर होता है वो इंक्रीज होता है और सीक्वेंस वाइज होता है, तो इसी तरह हमारे पास सीक्वेंस वाइज समरी जनरेट होगी। अब जैसे कि हमें मैसेज बॉक्स मिल चुका है कि हाइलाइटेड वीडियो सक्सेसफुल जनरेट की, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कहाँ पे हमारे पास वीडियो है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो एक और फोल्डर हमारे पास बन चुका है यहाँ पे फाइनल वीडियो के नाम से। तो उस फाइनल वीडियो में अगर हम जाएं तो अगर मैं इसको व्यू दिखाता हूँ आपको, दूसरा इसमें हमारे पास ये यहाँ पे जो है वो टाइम भी शो कर रहा है, तो किस टाइम पे हमारे पास शो होता। तो अभी हमारे पास जो है 5 बज रहे हैं और 1 मिनट पे और 23 सेकंड पे हमारे पास ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो इसको अगर मैंने देखना है तो मैं यहाँ पे शो पे जाऊँगा, तो शो पे हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे वीडियो पे कंसंट्रेट करना के वीडियो कैसी। Get the throw. Nice shot. Get a boundary. He's an aggressive player. This will be a good response by Bangladesh to the fall of the wicket of Tamanikbal. Now
expect you to beat the fans in the ground. Showed it wide, played it late. I think the key was to play it late enough, making no mistake. What was surprising to see that, knowing that he was in really good touch to hit the bat in the ODI. This is turning out to be for Ashley Nurse. It was a Fuller. He stood, played back and missed it. Straight away gone through. Another wicket goes. Just look at the left sleeve. Listeners, on the other hand, that was Bradley Upton for Andre Russell. Nice shot. He'll find the gap. Was risky though, because if he missed that, would have been a good LBW shout. Second boundary for Bangladesh. What's his talent? He's lucky to get away with it because he struck it nicely. This is the very last moment. The left mention. Good shots. He's got a good sort of little lovely touch to open up his account. Went a good boundary on the offside. Oh, shot. That is a cracking shot. Pomo. But Samir Badri is known for his economical bowling. The boundary so fine, it's over. Yeah, the dance, well, is the aggressor. Three options so far, chosen by Carlos Brackley. Most successful, actually, this. Just conceding 6 runs. Nice shot. Whip and pace on the ball. That's a pet shot for Shakib Al Hasan. Now you cannot afford to go that net. Always procure it. You exactly where the fielders were. Up and over. It's gone like a rocket. Looks like a very quick out. Of the fielder, Patrick. Short fine leg, Andre Russell. What a surprise delivery. But concedes the boundary. That came a lot quicker than he anticipated. But it's still in a little bit of tangle. Have a look at this. Short, nicely directed, but somehow he managed to just hit it away. Again. Up and over, and a similar result. Third boundary in the over, an expensive one, 32 for 2. अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये जो इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो निकले थे इंटरेस्ट की बेस पे, इंटरेस्ट हमारे पास क्या था कि सबसे पहले हमने 6 को ज़्यादा वैल्यू प्रायोरिटी दी थी, तो 6 जो कि हमारे पास नहीं थे, तो जिस पे 4 को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आउट को मिली और इवेंट्स को मिली, और इवेंट्स हमारे पास जैसे देख रहे हैं कि 0 इवेंट्स थे हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे जो है इवेंट्स इंटरेस्ट की छोड़ के वैरायटी की बेस पे निकालना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो अभी हमारे पास वैरायटी में ये होगा कि इक्वली इम्पोर्टेंस मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे अभी कि 3 हमारे पास 4 आएंगे, 2 आउट आएंगे और 3 ही इवेंट्स आएंगे। तो अब यहाँ पे प्रोग्रेस देखने के लिए इसी तरह इसके भी हमारे पास अगर टोटल करें तो 3-3-6 और 6-8, ये भी 8 इवेंट्स बनेंगे हमारे पास। और जो है यहाँ पे आपको ये शो भी होंगे, अगर मैं यहाँ पे सेव वीडियो क्लिप पे जाऊँ तो अगेन उसी तरह ही हमारे पास जो है वो क्लिप जनरेट हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। तो ये ओवरराइट होगा फोल्डर दोबारा से अगेन। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए, स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, हम दोबारा से
बुकलेट्स जनरेट करें, तो इसकी कंप्लीटेशन का इंतजार करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 क्लिप्स उसी तरह जनरेट हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैसेज बॉक्स भी आ गया कि हमारी हाईलाइट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे इसको, तो फाइनल वीडियो में जाके हमारे पास इस टाइम से रिलेटेड 17901 जो कि अभी हमारे पास करंट टाइम है, तो उस पर हमारे पास एक वीडियो जनरेट हुई है। तो मैं यहाँ पे अगर शो करवाऊँगा इसको, तो ये हमारे पास शो हो जाएगी। अब इसमें दो आउट शो करवाएगा और बाकी जो है हमारे पास 3 फोर्स दिखाएंगे, तो ये नोटिस करिएगा आप। This will be a good response by Bangladesh to the fall of the wickets of Tamin Iqbal. Played it late, as if the key was to play it late and away from that fielder. He played it a little bit finer. Lovely touch, he's got lovely hand. Gets off the mark. What the wicket. Ruined. Well, he had no clue whatsoever. Should have been on the front foot. Surely. He's getting another opportunity and another failure for Sumutraka. First and foremost, what was Tamim Iqbal thinking? First delivery. The track misses it. You miss it, you're gone. And then this should have been on the front foot, trying to play it, closing the face of the red on the onside. Misses it completely. Two wickets in his very first good shot. He's got a good sort of little lovely dash to open up in the bound through the boundary on the offside. Oh, shot. अजान का वेट करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। Is economical bowling. Two boundaries so fine is over. Richard Das, well, he is the aggressor. Three options so far chosen by Carlos Brathwaite. Most successful, Ashley Nurse. Wickets and just conceding 6 runs. Bangladesh have struggled in this format. The last series that they played was against Afghanistan. They lost 3-0. But before that, they played the tri-nation, tri-series. Runs, very aggressive running, especially from Litton Das. Nice shot. Whip and pace on the ball. That's a pet shot for Shakib Al Hasan. Now you cannot afford to hold that length and line to someone like Shakib Al Hasan. He would always put you away. He knew exactly where the fielders were. Up and over. And it's gone like a rocket. Looks like a very quick out. Just to the left of the fielder, Patry. Short fine leg, Andrew Russell. What a surprise delivery. But concedes a boundary. Yeah, it came a lot quicker than he anticipated. Got himself in a little bit of tangle. Have a look at this. Short, nicely directed, but somehow he managed to just hit it away. Now, we have our first interesting or वैरायटी बेस हमारे पास इवेंट्स नहीं करना है। अगर आप दोनों चाहते हैं तो दोनों पे भी क्लिक करके उसके बाद उसकी समरी भी जनरेट करके हम दे सकते हैं। तो लास्ट में हमारे पास जो है ये एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और लास्ट में हम कहीं पे भी हों, हम होम पे दोबारा डायरेक्ट कर सकते हैं, रीडायरेक्ट खोल सकते हैं। तो वहाँ से हम दोबारा से अपनी वीडियो जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो
मॉड्यूल हमारे पास कंप्लीट हो चुका है अपना, तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।